everyone and welcome to mission board exam 2021 and in this video we are going to revise चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिटिंग पार्टनर्स ये मिशन बोर्ड एग्जाम 2021 एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें लास्ट मोमेंट रिवीजन है हमारे सारे चैप्टर्स की अगर आपको इन चैप्टर्स को इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने उसकी भी एक अलग प्ले बनाई हुई अपने चैनल में और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा सो डू वॉच दैट प्ले लिस्ट फर्स्ट देन कम हेयर एंड वॉच दिस लास्ट मोमेंट रिविजन ठीक है जी तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर अब इस चैप्टर में सबसे पहली चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि हम क्या कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी अब पार्टनर से डिसाइड किया कि हम चेंज करते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारी ओल्ड थी तो इससे क्या हुआ हमारा पार्टनरशिप अग्रीमेंट खत्म हुआ फर्म का डिसॉल्व नहीं हुआ पार्टनरशिप अग्रीमेंट खत्म हुआ और न्यू पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनेगा इससे जिसमें हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी जाएगी तो उसको करने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट्स करते हैं तो सबसे पहली एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी गुडविल गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है ये आने वाले सारे चैप्टर्स में होगा आपका एडमिशन में भी होगा रिटायरमेंट में भी होगा डेथ में भी होगा तो ये गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिज़नेस के लिए फॉर इट्स ग्रोथ अगर गुडविल बहुत अच्छी है तो कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स ऑन होंगे तो इसमें हमने क्या पढ़ा था दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ गुडविल नंबर वन सेल्फ जनरेटेड एंड नंबर टू परचेज गुड विल और एस ट्वेंटी स्टैंडर्ड ट्वेंटी कहता है कि वी ओनली रिकॉर्ड परचेज गुड विल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स वी डू नॉट रिकॉर्ड और आई कैन सेल्फ जनरेटेड गुड विल इज नॉट अकाउंटेड वाई बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर ये गुडविल एक वैल्यूड गुड विल है इसको हमने इंटरनली वैल्यू किया गया है बट जो परचेज गुडविल होती है बेसिकली वी हैव पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर द बिजनेस दैट इज़ वॉट परचेज गुडविल इज़ इसकी डिटेल गुडविल की भी प्लेलिस्ट है आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा इसका वो जाके पहले देखिए फिर आपकी रिविजन आपको अच्छे से और समझ आएगी ठीक है जी तो गुडविल में दो टाइप्स थे सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज गुडविल हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते थे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बट सेल्फ जनरेटेड एक वैल्यूड गुडविल होती है कि मैंने इंटरनली वैल्यू करा अपने बिजनेस की कि क्या गुडविल होनी चाहिए तो हम इसको एडजस्ट किस तरीके से करते हैं हम इसको एडजस्ट करते हैं किस तरीके से हम बाय कैलकुलेटिंग गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से निकलती थी हमारी हम सबसे पहले उनका सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालते थे या गेनिंग शेयर निकालते थे पार्टनर का फॉर्मूला क्या होता था ओल्ड माइनस न्यू अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन कर रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो वो शेयर लूज कर रहा है पार्टनर तो हमारी एंट्री बन जाती थी गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर हमने इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल पढ़ा था प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है जो कॉम्पनसेशन गेनिंग पार्टनर पे करता है टू इट्स सैक्रिफाइजिंग पार्टनर जो भी कॉम्पनसेशन उसको पे जो भी कॉम्पनसेशन एक गेनिंग पार्टनर पे कर रहा है और वो जो अमाउंट पे कर रहा है उसको कहाँ से मिला है फ्रॉम इट्स गेन उसको जो गेन हुआ है अमाउंट वही कॉम्पनसेट करेगा टू इट्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते थे तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो बेसिकली अपना अपना जो कॉम्पनसेशन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा तो जो हमने हमारी रेशो आई थी ओल्ड माइनस न्यू सैक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो में और उस जो भी पार्टनर गेन कर रहा था नेगेटिव का मतलब है गेन कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर आ जाता था डेबिटेड में और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आ जाता था क्रेडिट में तो और जो वैल्यू ऑफ गुडविल दी जाती थी उसमें हम इंटू कर देते थे नेक्स्ट वी हैव परचेज गुडविल अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल में भी एक केस था जिसमें अगर हम रेस कर दे गुडविल अगर हमने रेस कर दिया गुडविल को तो ऑब्वियसली उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा अब मैंने रेस कर दी जो भी मेरी सेल्फ वैल्यूड सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी तो मेरी जर्नल एंट्री बन गई थी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी एक्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनको मैं ओल्ड टी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, थी अब मैं जब उसको राइट ऑफ करूंगी तो मेरी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट और मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है जी सबसे पहली चीज सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वैल्यूड गुडविल है वो एडजस्ट होएगी अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में और एडजस्ट होने के बाद अगर मैंने उसको रेस करके राइट ऑफ करा तो रेस करने की एंट्री मेरी हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वो हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और अगर मैं उसको राइट ऑफ करूंगी तो मेरी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हुआ है वो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशों में तो ये चीज ध्यान रखना नेक्स्ट वी हैव परचेज गुडविल अब परचेज गुडविल क्या होता है जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन है जो जिसके लिए एक्चुअली में हमने पे किया गया है तो दैट इज परचेज गुडविल और इसको हम करते हैं राइट ऑफ और राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है जितने भी पार्टनर्स का कैपिटल जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट ठीक है जी हमने राइट ऑफ करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जो भी हमारी पार्टनर्स कैपिटल जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी और ये जो डिस्ट्रीब्यूट होएगी वो ओल्ड पीएसआर में होएगी जस्ट रिमेंबर दिस ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ये ओल्ड पीएसआर में हो रही है ओके okay? और अगर बाय चांस वो नहीं करना चाहते राइट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं पार्टनर्स तो सेम तो हम उसको एडजस्ट करेंगे इन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में जो भी हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो गेनिंग रेशो निकाली होगी जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा तो उस केस में हम एडजस्ट करते हैं अपनी गुडविल जो हमने राइट ऑफ नहीं करी है या हम जो कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं ठीक है जी अब ये तो रहा गुडविल का कॉन्सेप्ट अब उसके बाद हमने पढ़ा था इन एक क्या है? एक है जो, जो हमें में से हमने एक अमाउंट अलग रख दिया ताकि वो जो अमाउंट है लेट से हमने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और अगर हमें उस इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया तो हम उस अमाउंट को उस लॉस से उस फॉल से मीट कर पाएंगे तो वो फॉल का क्या होता है एक होती है मार्केट वैल्यू एक होती है बुक वैल्यू बुक वैल्यू का मतलब है जिस, जिस जिस अमाउंट पे, जिस कॉस्ट पे हमने वो इन्वेस्टमेंट करी हुई है अगर मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई तो भैया बल्ले बल्ले हो गई अगर कम हो गई तो हम उस केस में देखते हैं कि अगर इस फॉल इन प्राइस की वैल्यू जो है या तो जो हमारा रिजर्व क्रिएटेड है उससे कम होएगी ठीक है जी या तो रिजर्व से कम होएगी या तो इक्वल होएगी या तो ज़्यादा होएगी तो हमारे पास तीन केसेस होते हैं तो बेसिकली अगर हमारी फॉल इन वैल्यू बहुत कम है तो जितनी वैल्यू बची है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होता है जो बचा हुआ होता है जब हम चेंज कर रहे होते हैं अपना पीएसआर, वो रिज़र्व जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पीएसआर, ये भी ओल्ड पीएसआर में होता है बट व्हाट इफ़ जो भी इन्वेस्टमेंट हमने करी हुई है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू से फॉल हो गया है प्राइस में या इक्वल है उसके हमने केसेस पड़े हुए हैं या फिर कम है लेट्स से अगर फॉल इन प्राइस मेरा कम है तो कम है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट है पहले तो टू इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स में मैं चली जाऊंगी टू इन्वेस्टमेंट में मैं डाल दूंगी जो भी मेरा डिफरेंस आया मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में उसके बाद जो मेरा अमाउंट बचा है वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी इन ओल्ड पी याद रखना अगर इक्वल है रिज़र्व का पैसा और बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू तो मैं सीधा सीधा आई को आई का अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी और अगर बहुत ज़्यादा है अमाउंट तो भैया लॉस हो गया है ना भाई अगर रिज़र्व में पैसा कम पड़ा है और नुकसान फॉल इन वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा हो गई तो मतलब ये लॉस हो गया तो वो रिवैल्यूएशन में जाके डेबिट हो जाता है और ये रिवैल्यूशन जो कि लॉस है वो भी तो पार्टनर्स बेयर करेंगे तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड पी एस आर और अगर प्रॉफिट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू आ गई है तो भैया जो भी प्रॉफिट है वो भी बाय वे ऑफ री से जो उसको प्रॉफिट मिला है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है जी जो प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा लॉस है वो भी पार्टनर्स ही बेयर करेंगे तो इसलिए इस चीज़ में एक कॉमन सेंस एक लॉजिकल चीज़ चीज सोचने की जरूरत है कि अगर लॉस होगा तो ऑब्वियसली वो भी पार्टनर्स बेयर करेंगे और जो अगर प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है अब ये तो नहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात अब मेरे पास एक और रिजर्व होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ये रिजर्व कंपनी क्रिएट करती है एक अमाउंट होता है जो प्रॉफिट्स में से ही निकलता है वी रिजर्व है ठीक है तो बेसिकली बाई चांस कोई एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देना पड़ जाता है किसी एक्सीडेंट में कुछ भी एक्स वाई वाइजी कोई भी चीज हो सकती है उस केस में एक रिजर्व बना रखती है ताकि आने वाले टाइम पे अगर को, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी इंप्लॉई के साथ या कोई क्लेम मांग लेता है इंप्लॉई तो हम वो जो पैसा है अपने रिजर्व में से निकाल के दे, दे। तो इसमें पॉसिबिलिटी है या तो क्लेम होएगा या क्लेम नहीं होगा हो भी सकता है क्लेम नहीं है अगर क्लेम कुछ भी नहीं है तो ये पूरा का पूरा जो रिजर्व बचा हुआ है एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर वो सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैसे डब्ल्यूसीआर डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है जी और अगर क्लेम है अब इसके भी बहुत सारे केसेस हैं कि भैया अगर रिजर्व में पैसा जितना है वो क्लेम के इक्वल है अगर वो क्लेम के इक्वल है तो सीधी सी बात है मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को मैं प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम से क्रेडिट कर दूंगी ट्रांसफर कर दूंगी जो भी मेरा रिजर्व का अमाउंट है क्योंकि क्लेम का अमाउंट इक्वल है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेसेशन क्लेम ठीक है जी ये एंट्री आ जाएगी जो अमाउंट है क्लेम में वो इक्वल हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अगर अमाउंट मेरा रिजर्व में ज़्यादा पड़ा हुआ है और क्लेम कम का आया है तो जो भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वॉट इफ़ रिज़र्व में भी पैसा कम है और क्लेम आ गया एकदम से बहुत ज़्यादा अब मेरा रिजर्व में पचास हज़ार पड़ा है और क्लेम आ गया एक लाख का तो वो फिफ्टी थाउजेंड एक तरीके का लॉस है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लेम आया है वो भी क्या होगा वो भी पार्टनर्स बेयर करेंगे और वो किस तरीके से रिवैल्युएशन के अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे इन देयर ओल्ड पी एस आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सो ये भी बहुत सिंपल था अगर प्रॉफिट है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा लॉस है वो भी पार्टनर्स बेयर करेंगे एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ठीक है जी अभी आई एफ आर और डब्ल्यू सी आर बहुत केसेस में सेम ही रहता है हमारा अगर हम ये वाली एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में कर रहे हैं या एडमिशन में कर रहे हैं या रिटायरमेंट में कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली आईएफआर और डब्ल्यू सेम ही रहता है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना नेक्स्ट लास्ट में हमने पढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट्स कि भैया जब भी, भी हम पी चेंज कर रहे हैं तो हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करेंगे उसमें मैंने बताया था फ़ायदेमंद चीज़ें हम क्रेडिट करते हैं अगर कोई एसेट बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट साइड आएगा कोई लाइबिलिटी कम हो रही है वो भी क्रेडिट साइड आएगी और वाइस वर्षा एसेट कम हो रहा है तो डेबिट लाइबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट तो यहाँ पे मेरी अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आएंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यहाँ आएंगी एक्सपेंसेस सारे मेरे यहाँ आएंगे ठीक है जी तो ये रहा डेबिट बट ये चीज़ का ध्यान रखना लेट से मेरे पास बैलेंस शीट में लैंड पड़ा हुआ था एक लाख का ठीक है अब हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पे रीवैल्यू करा उसका हो गया वैल्यू पांच लाख की ठीक है जी रीवैल्यूड अमाउंट था पांच लाख तो हम इसका डिफरेंस लिखेंगे यहां पे इंक्रीज इन एसेट्स में इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा क्रेडिट चार लाख रुपए और एक और चीज़ अगर क्वेश्चन में आई हुई है कि तुमने बैलेंस शीट भी बनानी है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म की तो हम क्या करेंगे ये पांच लाख का अमाउंट सीधा सीधा बैलेंस शीट में चला जाएगा ये चीज मत भूलना ये बच्चे बहुत बार गलती करते हैं चार लाख का डिफरेंस तो रिवैल्यूएशन में आ गया बट अगर बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोली हुई है क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट में हमारी लैंड की वैल्यू सीधी सीधी पांच लाख आ जाएगी क्योंकि ये रिवैल्यूड वैल्यू है ठीक है जी सो so, हमने यहाँ पे ये यह सब चीज़ें पढ़ी और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी बैलेंसिंग फिगर अगर यहाँ आती है तो इसका मतलब प्रॉफिट है और यहाँ आती है तो लॉस है और जिस प्रॉफिट और लॉस है वो ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वेरी सिंपल ठीक है जी तभी हम डब्ल्यू में हमेशा और ये आई में रीवैल्यूएशन अमाउंट लिखते हैं क्यों क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट होता है वो सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है ठीक है जी हो गया हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में बस कुछ कुछ चीज़ें गुडविल की याद रखना ये सब याद रखनी है रिवैल्यूएशन याद रखनी है और ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना जब बैलेंस शीट बनाओगे तो हम रिवैल्यूड वैल्यूज लेते हैं हमेशा ठीक है जी सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड गायस इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई would love to help you all. Thank you so much.